हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा लक्ष्मी गार्डन से। आज मैं आपको विंटर फ्लावर के बहुत सारे फ्लावर्स के नाम बताऊंगी जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट कलर के आपको मैं फ्लावर बताऊंगी, डिफरेंट टाइप के। तो ये निस्टेरियम का मेरा फ्लावर है और देखिए ये कितना अच्छा। इसमें दो तीन तरीके के फ्लावर आते हैं। ऑरेंज आता है, ये येलो कलर का है और पिंक भी आते हैं इसमें। तो ये बेल की तरह भी हो सकता है, आप बेल की तरह भी इसको भी लगा सकते हैं और ऐसे घना पॉट में लगा सकते हैं कि इसको अगर जो आप बेल की तरह नहीं लगाएं तो कटिंग करके इसको बुसी के जैसे छोटा सा घना रहता है उस टाइप से आप लगा सकते हैं। तो इस बार मैंने पिछले साल मैंने बेल की तरह लगाया था, लेकिन इस बार मैंने इसको ऐसे बस लगा दिया है कि घना दिखे मुझे चारों तरफ। इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत फ्लावर लगता है। और इसकी ये मिट्टी ये वेल्डर सॉइल होती है और इसको टाइम टाइम पे इसमें पानी देते रहिए और बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है विंटर फ्लावर का। ये अप्रैल मार्च अप्रैल तक इसकी फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत ही खूबसूरत है मेरा विंटर सीजन का फ्लावर है। दूसरा फ्लावर मैं बता रही हूँ, पिटूनिया। देखिए कितना खूबसूरत है पिंक शेड में, बहुत सारे शेड में है और लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत पिंक शेड में है और कितना बुशी है। मैंने इसको कटिंग कर दिया था तो कितना बुशी है, कितने सुंदर सुंदर से इसके फ्लावर्स हैं। और इसमें भी वेल्डेड मिट्टी चाहिए होती है और खाद बर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी खाद इसमें डाल के इसको प्लांट लगा दीजिए। बहुत खूबसूरत ही इसके फ्लावर्स बहुत कई तरीके के होते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे कलर के हैं तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तीसरा मैं फ्लावर बता रही हूँ कैलेंडुला। कैलेंडुला में तो बहुत सारे कलर होते हैं, ऑरेंज कलर और येलो कलर में और डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं। ये कैलेंडुला ऑरेंज और येलो कलर में सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए कितना खूबसूरत है कैलेंडुला का मेरा प्लांट है। और इसमें मेन चीज़ होती है इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत खुशबू और बहुत ही इसको फूल इसके फूल और पत्तियाँ दोनों चीज़ खाई जाती है, मेडिसिन होती है ये। तो बहुत ही फ़ायदेमंद इसकी पत्तियाँ होती है, आप लोग इसकी पत्तियाँ खा भी सकते हैं और बहुत ही इसमें पत्तियों में खुशबू होती है एक तरीके की। और बहुत देखिए बहुत खूबसूरत है विंटर फ्लावर का प्लांट है कैलेंडुला। मेरे पास बहुत वैरायटी के कैलेंडुला है, ये देखिए ऑरेंज है, बहुत सुंदर सुंदर से हमारे प्लांट। इसकी भी मिट्टी वेल्डेन सॉइल होती है और कंपोस्ट इसमें बर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली वगैरह और इसमें गोबर की सभी खाद डाल के इसको लगा दीजिए तो बहुत ही आसानी से पेड़ चलता रहता है। और मैरीगोल्ड की तरह ये भी बहुत खूबसूरत से फ्लावरिंग करता है, बहुत सुंदर। इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आती रहती है। देखिए मेरे पास बहुत तरीके के कैलेंडुला लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग करता है। ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया था तो इसमें भी कितने सारे फ्लावरिंग होती, बहुत खूबसूरत विंटर सीजन का फ्लावर है। इसमें मार्च अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और इसको अक्टूबर नवंबर में लगा दिया जाता है, इससे फ्लावरिंग इसकी लगातार शुरू हो जाती है। फिर इसकी फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत, हमारे पास तो बहुत सारे इसके प्लांट लगे हुए हैं तो बहुत सारी फ्लावरिंग होती रहती है। देखिए नेक्स्ट फ्लावर है जेरेनियम का, कि जेरेनियम तो गुच्छों में इसके फ्लावर आते हैं तो इतनी इसकी पत्तियां भी इतनी खूबसूरत होती हैं और पत्तियों से ही अगर ये इतना खूबसूरत लगता है। तो इसके फूल चार पांच कलर के होते हैं लेकिन मेरे पास एक ही कलर के रेड कलर में है। अभी गुच्छों से इसकी ये देखिए कितने सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों से होती है। और इसमें भी यही वेल्डन सॉइल इसकी इसको बहुत पसंद है कि वेल्डन सॉइल हो और इसमें बर्मी कंपोस्ट और खाद गोबर की सड़ी खाद से इसको लगा दिया था मैंने। तो कितना खूबसूरत से ये चल रहा है कि अंदर से इसमें और सारी बर्ड्स निकल रही हैं इससे। अभी इसमें बहुत ब्रांचेस में इसमें फ्लावरिंग होती है और इसमें ज़्यादा पानी होने से इसमें फंगस आ जाता है तो पत्तियाँ का जो पीली होने लगे तो समझ लीजिए फंगस लग गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, जब इसकी मिट्टी ऊपर से हल्की सूख जाए तो इसमें बस पानी दे दें तो बहुत ही खूबसूरत इसमें पत्तियों में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियाँ ही बहुत सुंदर लगती हैं और बहुत खूबसूरत मेरे गार्डन का विंटर सीजन का फ्लावर है ये। ज़्यादा गर्मियों में नहीं चलता है तो अप्रैल तक ये बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग होती है, अप्रैल मई तक बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। और
ये देखिए देखो गजनिया, ये देखिए एक और विंटर सीजन का फ्लावर प्लांट होता है बहुत खूबसूरत, एक गजनिया का फ्लावर है। ये बिल्कुल सूरजमुखी जैसे, सूरज की धूप से ही खिलता है, जब सूरज अगर नहीं निकलता है तो ये बिल्कुल नहीं खिलते हैं। तो मैंने ये एक ही पॉट में देखिए दो तीन कलर के लगा दिए थे। ये बहुत सारे शेड में होता है, वाइट शेड में होता है, मेरे पास ऑरेंज और येलो ब्राउन शेड में है। और गजनिया का फ्लावर जैसे जैसे धूप आती है ऐसे ऐसे खिलता है। अभी धूप में धूप नहीं आ रही थी तो खिल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों नहीं खिल रहा है, लेकिन अब जैसे धूप आने लगी वैसे खिलने लगे। हर बर्ड्स इसमें हर समय आती रहती है और बहुत ही खूबसूरत मेरे गार्डन का ये फ्लावर है। ये अप्रैल मई तक ये भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत ही सुंदर हमारा ये गजनिया फ्लावर प्लांट है जाड़ों का। आप लोग भी अपने गार्डन में लगाइए। और ये विंटर सीजन का फ्लावर में ये इसका भी नंबर बहुत ही डाइनथस है और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। देखिए ये मेरे पास पिंक शेड है, ये रेड शेड है, मजेंटा शेड है, ये रेड कलर में है डाइनथस, और ये देखिए मजेंटा और रेड में है। बहुत खूबसूरत ये इसकी फ्लावरिंग रहती है। और इसकी जब ये फ्लावर सूख जाए तो इसको यहाँ से ऐसे हटा दीजिए तो और अच्छी सी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत घनी फ्लावरिंग होती, कितनी सुंदर लगती है। इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग मेरे पास फ्लावर है और ये भी जाड़ों से लेकर गर्मियों तक, ये अप्रैल तक इसकी इसमें फ्लावरिंग मई तक होती रहती है। जब ज़्यादा गर्मियों में इसके इसका प्लांट नहीं चलता है, ज़्यादा गर्मियों में सूख जाता है, लेकिन जाड़ों में बहुत सुंदर इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। और ये भी बहुत विंटर सीजन के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट हैं। और विंटर सीजन में मैरीगोल्ड ही बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। मैरीगोल्ड के फ्लावर प्लांट तो विंटर सीजन के समझ लो राजा होते हैं। तो मैरीगोल्ड का भी फ्लावर विंटर सीजन में लगाई है। ये तो अप्रैल मई जून तक भी खिलते रहते हैं, उसके बाद अगर ध्यान से सही से केयर की जाए तो ये पूरे सीजन से फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर लगते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत सारे बहुत टाइप के मैंने फ्लावर इसमें लगा दिए थे, जगह जगह पर बहुत सारे लगाए थे। तो विंटर सीजन का ये सबसे खूबसूरत फ्लावर मैरीगोल्ड का होता है और उसमें इसकी पत्तियों में बहुत अच्छी स्मेल है, फूलों में बहुत अच्छी स्मेल आती है। ये मेडिसिन बनाने के भी काम आता है, बहुत सारे मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सुंदर इसकी फ्लावरिंग तो बहुत सुंदर लगती है लेकिन मेडिसिन भी बहुत कई तरीके की मेडिसिन बनाई जाती है इसकी। ये देखिए पेंजी फ्लावर भी विंटर सीजन का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है और इसमें बहुत गुच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होती है। और देखिए कितने इसको डॉग माउथ भी कहते हैं कि डॉग की तरह इसका माउथ होता है और फ्लावरिंग जब होती है तो डॉग तरह से ऐसा लगता है कि डॉग भौंकने जा रहा है, इस टाइप से इसका इसके लिए इसका पेंजी फ्लावर है। बहुत खूबसूरत इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, मेरे पास तीन शेड में है। ये देखिए ब्लू और क्रीम शेड में है, ये ऑरेंज और सॉरी ये येलो और मरून शेड में है, और ये देखिए मस्टर्ड येलो में है, तीन शेड में है पेंजी। ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है इसमें और इसकी भी मिट्टी वेलड्रेन होनी चाहिए, तो मैंने इसमें पॉट में उसमें लगा दिया था, पॉलीथीन में लगा दिए थे। बहुत सुंदर फ्लावरिंग इसमें होती रहती है हर समय, ज़्यादा बहुत ज़्यादा धूप इसको नहीं चाहिए होती है, ज़्यादा धूप में ये मुरझा जाते हैं और हल्की सी धूप में बहुत खूबसूरत ये इनकी फ्लावरिंग होती है, बहुत सुंदर लगते हैं पेंसी फ्लावर। और ये साल्विया, ये देखिए साल्विया का भी विंटर सीजन का बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। इसमें मेरे भरपूर मात्रा में देखिए कितने खूबसूरत सारे फ्लावर्स आए हैं, दो तीन कलर में होते हैं, मेरे पास तो रेडी कलर का है लेकिन इसमें दो तीन कलर के फ्लावर आते हैं। और ये बहुत ही इसकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और साथ में ये इसके फ्लावर रेड कलर के ये देखिए ब्रांचेज में आते हैं, कितने सुंदर सुंदर से बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनकी मिट्टी भी वेल्ड्रन होनी चाहिए और वेल्ड्रन मिट्टी में आधा गोबर की सड़ी खाद और आधे परसेंट में इसमें 50% में मिट्टी गार्डन सॉइल थोड़ी सी सेंड मिला के इसमें मैंने लगा दिया था, तो एक बहुत खूबसूरत से फ्लावरिंग हो रही है। और इसके अंदर इनकी जब पत्तियाँ सूख जाती हैं तो इन्हीं के अंदर बीज होते हैं ब्लैक कलर के, तो उन बीजों से इसको दोबारा से ग्रो किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के ये इसमें बीज होते हैं, तो इन बीज से ही इनको ग्रो कर दिया जाता है। और बहुत ही सुंदर ये अप्रैल मई तक
इसमें भी फ्लावरिंग होती रहती है। ज़्यादा गर्मियों में ये प्लांट जो हैं सूखने लगते हैं, और तो ये भी अपने गार्डन में ऐड करिए। विंटर सीजन का फ्लावर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। और एनुअल क्रिसेंथेमम में देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर प्लांट है विंटर सीजन का। तो ये विंटर एनुअल क्रिसेंथेमम जो होता है वो जनवरी के बाद में खिलना बंद हो जाता था, लेकिन ये एनुअल क्रिसेंथेमम ही अप्रैल तक ये इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और देखिए कितना खूबसूरत इसमें देखिए भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग हुई है, और ये 3-4 महीने मई तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। ये बहुत खूबसूरत लगता है, मस्टर्ड और वाइट शेड में कितने खूबसूरत से फ्लावर इसमें आए हैं, देखिए कितना सुंदर लगता है। ये भी विंटर सीजन का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है एनुअल क्रिसेंथेमम, बहुत ही मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सारे प्लांट देखिए मैंने लगा रखे हैं, बहुत ही सुंदर इसमें लगते हैं, और मैंने जगह जगह पे लगा रखे हैं फ्लावर प्लांट। ये देखिए मैंने इसमें एक टब पड़ा था, इसमें मैंने लगा दिया, इसमें भी कितनी खूबसूरत से फ्लावर इसमें निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर इसमें निकलते हैं, और बहुत सुंदर ही लगता है एनुअल क्रिसेंथेमम। आप लोग भी अपने गार्डन में ऐड करिए प्लांट्स को।